ईशा मालविया ने की ऐश्वर्या शर्मा की मिमिक्री, नील भट्ट अभिषेक ने भी उड़ाया ऐश्वर्या का मजाक। वेल, बिग बॉस के लाइव फीड में हमें देखने को मिला कि घर के ज्यादातर जो कंटेस्टेंट है वो दिमाग वाले मकान में बैठकर मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, जहां एक तरफ गेम की प्लॉटिंग चल रही है, सभी जो है टास्क के बारे में काफी सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं और टास्क को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा, अभिषेक कुमार, ईशा मालविया और मुनव्वर फारूकी जो है वो दिमाग वाले कमरे में बैठकर ढेर सारी मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो कपल है नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, उनके साथ मिलकर जो एक्स कपल है ईशा मालविया और अभिषेक कुमार, वो मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पर ईशा अभिषेक के साथ ढेर सारी मस्ती करती हुई नजर आती है और काफी बातचीत भी कर रही होती है। जिसके बाद ईशा जो है वो कहती हुई नजर आती है कि अगर उनका घर में किसी के साथ भी कोई सीरियस आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है और अगर उस वक्त उनकी नजर ऐश्वर्या शर्मा पर पड़ जाती है तो उनकी हंसी छूट जाती है। जी हाँ, ईशा यहाँ पर कहती हुई नजर आई कि अगर घर में किसी की भी लड़ाई हो रही हो और उसकी नजर ऐश्वर्या के ऊपर जाए तो ऐश्वर्या जो है उस वक्त अजीब सी हरकतें कर रही होती है, एक अलग ही जोन में ऐश्वर्या होती है या फिर ऐश्वर्या हंसती हुई नजर आती है। इसे देखने के बाद जो लड़ाई कर रहा है उसकी खुद की भी हंसी निकल जाती है। यहाँ पर ईशा जो है वो ऐश्वर्या की मिमिक्री भी करके सभी कंटेस्टेंट्स को दिखाती है, जिसे नील भट्ट भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और ईशा की एक्टिंग की काफी ज्यादा नील तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं हाँ ऐश्वर्या हमेशा ऐसा ही करती है। जिसके बाद नील कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा ही मेरा हाल होता है, क्योंकि जब भी हमारी बीच में लड़ाई होती है तब भी ऐश्वर्या लड़ाई के बीच में या तो कुछ ऐसा बोल देती है या तो कुछ ऐसा कर देती है जिसे सुनने या देखने के बाद मेरी भी हंसी छूट जाती है। मैंने यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट जो है काफी ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे और साथ में ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं और ढेर सारी मेमोरीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है इनके बीच की ये बॉन्डिंग घर में आखिर कितने दिनों तक रहती है। वेल, आपका ईशा की करीब मिमिक्री पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।